हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया और बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन की फील लेने वाले हैं। तो उससे पहले जो मेरा पर्सनल कनेक्शन है इस टॉपिक के साथ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि कैसे इस टॉपिक्स की वजह से मेरा फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ कि हाँ, ये कोई सब्जेक्ट है जो काफ़ी अच्छा है। तो इस टॉपिक की सबसे पहली झलक मुझे आज से लगभग 10-11 साल पहले मिली थी। मैंने टीवी पर साइंस डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, उसी में मैंने देखा था एक साइंस डॉक्यूमेंट्री में, वह काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल करके, और वो इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं ना भाई, स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं टीवी में। जो साइंस डॉक्यूमेंट्री आप देखना, काफ़ी एनिमेटेड तरीके से वो लोग बात करते हैं। तो उन्होंने वहीं पर इस टॉपिक को सबसे पहली बार समझाया, तो एक तरह से ये टॉपिक मेरे लिए आई ओपनिंग की तरह काम किया कि यार, मैं जैसे दुनिया को देखता हूँ, मैंने फिजिक्स के परस्पेक्टिव में बिल्कुल इसे नहीं सीखा था पहली बार। मैंने दुनिया की तरफ से देखा था कि नज़रिया कैसा होता है लोगों को देखने का। मैंने कहा मैं जिस प्रकार से दुनिया को देखता हूँ या मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को इस प्रकार से देखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं उसे देख रहा हूँ दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सकता है वैसे ही देखे। यानी हर एक अलग अलग व्यक्ति के परस्पेक्टिव से कोई चीज़ अलग अलग भाव रख सकती है। यानी एक चीज़ किसी एक चीज़ का भाव किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा नज़रिया यहाँ से बदला, मेरा नज़रिया ये बदला कि नहीं, जो मेरे लिए सही है हो सकता है किसी और के लिए वो गलत हो। मेरे लिए कोई चीज़ अगर मूव कर रही हो सकता है किसी और के लिए वो चीज़ मूव ना कर रही, चल ना रही। तो एक्चुअली मैं फिर से कहूँगा, मैंने फिजिक्स परस्पेक्टिव नहीं, ऐसे साइकोलॉजिकल, ऐसे जो अपने जनरल लाइफ में जो चीज़ें होती थी उसके परस्पेक्टिव वो बता भी वैसे ही रहे थे, मैंने समझा भी वैसे ही था। तो आई ओपनिंग इस तरह से मेरे लिए टॉपिक रहा, और इसी टॉपिक की वजह से थोड़ा मेरा फिजिक्स की तरफ, फिजिक्स को मैं बहुत कारणों से पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें से एक इसका भी योगदान था कि हाँ यार, कुछ तो है सब्जेक्ट में, कुछ तो खास बात है जो मेरा ऐसा दिमाग खोलने, समय समय पर ये दिमाग खोलती रही हमारा, मतलब चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदलती रही, चीज़ों का नज़रिया हमारा बदलती रही। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब हाँ, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं असल यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है जेई के लिए जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। मैं ये आपको कवर करना पड़ेगा, ये आपको कैच करना पड़ेगा, आपको एनालॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी कैसे आप मैच कर पाते हैं उस चीज़ को जो फिजिकल आपके फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है, आपके जो पर्सपेक्टिव, आपकी जो वायरिंग है, अभी तक आपने जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, उसमें कैसे इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट्स की एनालॉजी को आप मर्ज करते हैं वो आप पर छोड़ देते हैं। हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपको पढ़ाएंगे। तो अब बात कर ली जाए कि जेई में और 12th क्लास में आपको कैसे ये मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करें कि काइनेमेटिक्स से जितने भी फंडे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, बिना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को बड़े बिना इस फंडे को पढ़े हम लोग भी उन सारे सवालों को हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, अगर रिलेटिव मोशन को आप पढ़ लेते हैं, तो एक तरह से जो दो ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोफाइल में मूव कर रहे होते हैं उन्हें उस प्रकार के सवालों को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहीं कहीं तो पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से आप उन सवालों को हल कर पाएंगे। उतनी आसानी, एक्चुअली कह सकते हैं ये ट्रिक है काइनेमेटिक्स से सवालों को सॉल्व करने की, एक कह सकते हैं ट्रिक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बताया जाए, और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स भी आती हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, छाता छतरी वाला, फ्लैग और बाइक का प्रॉब्लम आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, और वो दो तोप चलती हैं, ऐसा कुछ अभी मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे इस रिलेटिविटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, बनाई जाती हैं जिनको हम लोग डील करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहूँगा कि हाँ रेन मैन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट ना, एक मैं आपको गोल्डन रूल बताऊँगा, जिस प्रकार प्रोजेक्टाइल मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था, उसी प्रकार इसमें भी मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊँगा जिसकी मदद से रिलेटिव का कोई भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि क्या यूज़फुल है, क्या यूज़ है इसका रिलेटिव मोशन का, और मेरा इस प्रकार से किस प्रकार से इस टॉपिक के साथ लगाव था वो मैंने आपको बताया। और ये इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ देखने की कोशिश करें, आप फिजिक्स को आप इस तरह ना पढ़ें। मैं फिर से थोड़ी बात, मैं इतनी बात करता नहीं हूँ लेकिन करनी जरूरी है, फिजिक्स को आप
इस तरह ना देखें कि ये सिर्फ हमारे जेई में आने वाला है, हमारी 12th क्लास में आने वाला है, नंबर हमें लाने हैं ना। थोड़ा थोड़ा ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा जीने की कोशिश करें, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और इसके बारे में धीरे धीरे और बातें आपको बताता रहूँगा। फिलहाल फिलहाल रिलेटिव मोशन होता क्या है, स्टार्ट करते हैं, फील से स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, कहानी कह लीजिए या ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। तो ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार की है कि आप एक सीधे हाईवे पर चल रहे हैं, मस्त एक सीधे हाईवे पर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप चला रहे हो, आपके पिताजी चला रहे हो, आप पीछे बैठे हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप बाइक से जा रहे हैं। और बाइक से जाते समय आप एक ट्रक आपको मिलता है हाईवे पर, और आपके पिताजी ट्रक को क्रॉस करते हैं बाइक से। क्रॉस करते समय अगर आपने थोड़ी ऑब्जर्व किया हो, 100% आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्रॉस करते समय कहीं ना कहीं ट्रक आपको रुका हुआ दिखाई देता है, ट्रक की बॉडी आपको रुकी हुई दिखाई देती है। और लेकिन आप ट्रक के टायर तो बहुत तेजी से घूम रहे होते, धुआं फेंक रहे होते, इतनी तेजी से ट्रक के टायर घूम रहे होते, लेकिन ट्रक की बॉडी आपको रुकी हुई दिखाई देती है। आप कंडक्टर को हेलो हाय कर सकते हैं और उससे ये भी पूछ सकते हैं, बता तेरी स्पीडोमीटर पर स्पीड क्या है। कंडक्टर से आप पूछ सकते हैं, यार स्पीडोमीटर बता दे तेरी स्पीड क्या है। मान लीजिए कि अगर उसने बताई कि उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर आवर, स्पीडोमीटर में जो स्पीड आती है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आती है, क्योंकि पहिया है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड को नाप के देता है। तो आपके भी आपने भी अपनी मोटरसाइकिल ली तो आपकी स्पीडोमीटर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाई दी, दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही, इसीलिए आपको आपको ट्रक रुका हुआ दिखाई दिया। अब बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, और मान लीजिए हाईवे के किनारे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वो ऑब्जर्व करता है, वो ट्रक को देखता है, उसे ट्रक कितनी स्पीड चलता हुआ दिखाई देता है, उसे ट्रक दिखाई देता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक चल रहा है। और आप जब इसे देखते हैं तो आपको ट्रक की वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर से दिखाई देती है, आपको रुका हुआ दिखाई देता है। और जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, जो बाहर खड़ा व्यक्ति हाईवे के नीचे बाहर हाईवे के नीचे खड़ा व्यक्ति, उसे वो चीज चलती दिखाई देती है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने भी सबको बताया। तो मान लीजिए दोनों ट्रक चल रहे हैं, 40-40 ट्रक और बाइक दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में रिस्पेक्ट में रुकी हुई है, लेकिन अगर आप व्यक्ति खड़ा जाए उसके रिस्पेक्ट में ट्रक भी चल रहा होगा और बाइक भी चल रही होगी, दोनों की स्पीड 40 किलोमीटर पर हवा होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज, क्योंकि इस ट्रक की एक वेलोसिटी तो 0 किलोमीटर पर हवा है, एक 40 किलोमीटर पर हवा, 40 किलोमीटर पर हवा है उसकी, जो बाहर व्यक्ति खड़ा है ग्राउंड पर, जो व्यक्ति खड़ा है उसने ऑब्जर्व की 40 किलोमीटर पर, 0 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ट्रक की कब है, जब आपने मोटरसाइकिल पर बैठकर इसे ऑब्जर्व किया, किसी एक चीज की दो वेलोसिटी कैसे। तो यही से अपना रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ, जो 0 किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, किसके रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है, वाई के रिलेटिव, वाई के रिलेटिव। ऐसे एक और सिचुएशन ये मान लीजिए, हाँ ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये भी आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कार आपको बहुत तेजी से क्रॉस करती हुई जाती है हाईवे पर, ज्यादातर कारें तेज चलती है, बाइक से चलती है, तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, ये भी महसूस किया होगा या देखा होगा कि आप चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चल रहे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं, कार कोई आती आपसे निकलती चली जाती है, आप उसकी दूर निकलती जाती है, आप उसे पूछ लेते बस, जब वो निकल रहा हो तभी आपने भाई स्पीड स्पीडोमीटर स्पीड बता दें, तो कार की कुछ स्पीड है, कार की कुछ स्पीड है वो कितनी, मान लीजिए कार है कि स्पीड कार का स्पीड स्पीडोमीटर देखकर कार का ड्राइवर बताते हैं 45 किलोमीटर आवर की स्पीड चल रही और आपकी बाइक तो चली रही थी कितने से 40 किलोमीटर पर। तो आपको मैं सिंपल सा सवाल है, आपको कार कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई दी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई दी। स्वाभाविक सी बात है, आपने फील किया होगा कि आप बैठे हो कोई किसी चलती हुई गाड़ी पर, मोटरसाइकिल बैठे हो कोई कार क्रॉस कर रही, तो आपके रिस्पेक्ट वो कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, धीरे धीरे आपसे दूर जा रही होती है, लेकिन वही अगर ग्राउंड पर खड़ा कोई व्यक्ति देखे तो उसको कार की रफ्तार बहुत तेज दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी 45 किलोमीटर पर, आपकी रफ्तार ग्राउंड पर खड़ी होती कितनी दिखाई देगी 40 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर हवा क्योंकि स्पीडोमीटर वही दिखा रहा है, लेकिन आपको कार की रफ्तार कितनी दिखाई देगी, आपको कार की रफ्तार कितनी दिखाई देगी, आपको कार की रफ्तार दिखाएगी 5 किलोमीटर पर हवा, आपको कार धीरे धीरे आगे जाती हुई दिखाई देगी, या तो फील किया होगा जैसे कि जैसे ट्रक की क्रॉस करने वाला आइडिया ले लो, जब ट्रक को तुम्हारे पिताजी ट्रक को क्रॉस कर देते तो ट्रक आपको धीरे धीरे आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, एक्चुअली उसकी स्पीड क्या है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ट्रक धीरे धीरे आपसे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा,
दिस इज द फील्ड ऑफ रिलेटिव मोशन, दिस इज द फील्ड ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा ये बात तो मैं कर ही चुका हूँ। अब हाँ ये कहानी है जितनी जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन आपने करी है, जो रियलिटी में आपने करी होगी, ये बेसिक है। मतलब इसी से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी का, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, पर इसे हम लोग डेवलप कर लेंगे, इसी से हम लोग इसी में से चीजों को फिल्टर कर लेंगे, अपनी काफी चीज निकाल लेंगे। तो एक चीज तो आपको पता चली होगी, जो मैंने रेफरेंस फ्रेम जब काइनेमेटिक्स की दूसरी वीडियो में पढ़ाया था, तो तब भी बताया था कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। किसी कोई भी चीज को हम रेस्ट, मैं ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट पर, आप कह सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो कहते भैया आप तो रेस्ट करो, जहां भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप रेस्ट करो, खड़े हो। मैं कहता हूँ मैं रेस्ट पर नहीं, क्योंकि अगर मुझे सन से देखा जाए, स्पेस स्टेशन से देखा जाए, तो मैं रोटेट करता हूँ दिखाई, अर्थ रोटेट करते हैं कोई भी चीज। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है जो रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करता है। मैं आपको रेस्ट पर देख रहा हूँ क्योंकि आपने ग्राउंड सुना एक बंदे लिया, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट, तो कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, ये मैं इसके बारे में बात कर चुका। अच्छा अब इससे और चीजें क्या फिल्टर कर सकते हैं? हाँ यही, देयर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। अभी मैंने बताया किसी जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए मतलब आपके लिए ट्रक रुका हुआ था पिछले एनिमेशन, यहाँ पर आपके लिए ट्रक रुका हुआ है और ग्राउंड पर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रक चल रहा है, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वही काफी डीप है, ऐसे आप अगर अलग थोड़ा अलग से सोच कर देखें तो काफी अच्छी 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 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा देयर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, ये हम चीजें ऑब्जर्व करी, हम किसी के लिए रुकी हो सकती है, किसी के चल रही हो सकती है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एज वेल एज द ऑब्जर्वर। बहुत सुंदर बात ये चीज आपने ऑब्जर्व करी कि जब भी हम मोशन देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, किसी भी चीज का हम लोग मोशन देख रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके ऑब्जर्वर पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब बिना ऑब्जर्वर के किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। फिर से बोलो, बिना ऑब्जर्वर के किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बिना ऑब्जर्वर के यानी बिना रेफरेंस फ्रेम के ना उसकी पोजीशन बता पाएंगे, अगर पोजीशन ही नहीं बता पाएंगे तो मोशन क्या कर रही है कैसे बता पाएंगे। मान लीजिए कि श्रुति ने बंद कमरे में भी बहुत सुंदर डांस किया, किसी नहीं ने, मतलब बंद कमरे में कौन देख सकता, कमरे को अकेली है, उसने बिंदास डांस किया, है ना, उसने बिंदास डांस किया, तो दुनिया में क्या पता चला उसने डांस किया? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसे कोई देखने वाला ही नहीं था। अगर कहीं मोशन हो रहा है तो उसे देखने वाला भी होना चाहिए। तो मोशन की स्टडी के लिए हम लोग दोनों को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी और उसे देखने वालों को, यानी कंबाइंड प्रॉपर्टी है भाई, मोशन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। समझे, जंगल में मोर नाचे किसने देखा ना, कोई तो देखने वाला होना चाहिए। दिस इज द ब्यूटी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कुछ अगर आप कुछ कर रहे हैं उसके मायने तभी जब लोग आपको देखें ना, थोड़ी सी बाहरी बात कर दी मैंने कि जब कुछ भी आप कर रहे हैं वो तभी करा हुआ माना जाएगा दुनिया द्वारा, जब कोई दुनिया वाला आपको देखे, आपने अकेले किया तो क्या पता चला था? वही सीन हो इसके साथ, ऑब्जर्वर नेवर, ऑब्जर्वर कभी मूव नहीं करता, ऐसा उसका मानना है। जैसे कि आपने इसी जो मैंने अभी ऑब्जर्वेशन आपको कराई, जो फील दिलाई ट्रक और बाइक वाली, उसमें आप अपने आप को नोटिस करें कि आपने हमेशा अपने आप को रेस्ट पाया एज ए बाइक, आपने कहा मैं तो रुका हुआ, ये प्रवृत्ति होती है, और ये इसी को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सजाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा मैं तो रुका हुआ, अगर मैं रुका हुआ हूँ और ट्रक मेरे हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर मेरे हिसाब से ट्रक पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन ट्रक चेंज नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, इसीलिए अगर ट्रक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या मानता है कि वो तो हमेशा रुका हुआ है, सारी दुनिया चल रही है। जैसे कि अपने थोड़ी और फील दिला, मान लीजिए बस मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ पहले रेफरेंस, मान लीजिए कि आप बस पर सफर कर रहे हैं और बस की सीट पर आप पूरे टेढ़े होकर बैठ जाते हैं, नीचे झुक कर बैठ जाते हैं, जिससे आपको बिल्डिंगें दिखाई, तो आप बिल्डिंगों को देखते हो आपको सारी दुनिया पीछे जाती दिखाई देगी, आपको लगता है मैं तो रुका हूँ, बस तो हमारी रुकी हुई, सारी दुनिया पीछे जा रही, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस चल रही होती है और सारी दुनिया
ग्राउंड खाली मिलेगी, ग्राउंड ही वो तो भाई, लेकिन हमेशा ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है, अपने आप को रेस्ट पर मानता है, बेशक वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा हो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हो, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है। जैसे कि बाइक, आपने कार की 5 किलोमीटर आपने स्पीड बताई, आपने अपने आप को रेस्ट पर मान दिया, मैं तो रुका हुआ और मुझसे ये कार पर सेकेंड 5 मीटर चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी पर हवर 5 किलोमीटर चल रही है, स्पीड उसकी है 5 किलोमीटर पर हवर उसकी स्पीड, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है। केवल ये मोशन के लिए सच नहीं है, ये पोजिशन के लिए भी सच है, पोजिशन के लिए भी सच है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको सोचिए कि आप आसपास की अपनी दुनिया देखते हैं, तो क्या आप अपनी नजरों से देखते हैं दूसरे की नजरों से देखते हैं? आप अपनी नजरों से देखते हैं, आप बाइक चला रहे होते हैं, आप साइकिल चला रहे होते हैं, तो आप दूरी का अंदाजा अपने से लगाते हैं, हमेशा अपने आप को सेंटर मानते हैं, जहां से आप खड़े होते लाइन वहीं से होती है, समझे? मतलब कि हमेशा आप चाहे हमेशा ओरिजिन आप कंसिडर करते हैं, रेफरेंस फ्रेम जो भी आप लेते हैं दुनिया को, जिस भी आप एक फ्रेम से देखते हैं दुनिया में, एक फ्रेम से देखते हैं, और अपने आप को आप ओरिजिन पर बैठा हुआ मानते हैं, आप अपने आप को ओरिजिन पर बैठा हुआ मानते हैं, तो ये तो बेसिक फील है, ऑब्जर्वर अपने आप को रिमूव करता हुआ नहीं मानेगा और हमेशा अपने आप को ओरिजिन कंसिडर करेगा। मान लीजिए आपसे कोई पता पूछता है कि दिल्ली कहाँ है, तो आप बताते हो ना, आप अपने से बताते हो कि यहाँ से जाना, यहाँ से सब कुछ अपने से, आपकी दुनिया आप ही से शुरू होती है, हमेशा आप ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को ओरिजिन कंसिडर करता है और अपने आप को कभी भी मूव करता हुआ नहीं मानता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर नेवर मूव की स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब क्या है, हाँ, अब ये न्यूटन वाले जो फिजिक्स है, इसमें याद रखें कि टाइम है, टाइम को हम लोग टाइम के रिलेटिव है और मास की रिलेटिव, ये जो ऊपर की फिजिक्स है मतलब यूनिवर्स वाली फिजिक्स है, उसमें टाइम चेंज होता है, अलग अलग टाइम और स्पेस की अलग अलग इक्वेशंस होती है, टाइम चेंज होता है, लेकिन इस दुनिया में जो भी हम लोग सवाल करने वाले हैं यहाँ पर, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा, टाइम डिपेंड नहीं करेगा फ्रेम्स, यहाँ पर टाइम चेंज नहीं होगा। तो याद रखिए हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूटन वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, टाइम को हम लोग कॉन्स्टेंट ही मानेंगे, बचा हुआ टाइम सभी के लिए सेम होगा, मतलब कोई अगर इवेंट हुआ है अगर उसमें 3 सेकेंड लगे हैं तो किसी भी फ्रेम से देखने पर उसमें 3 सेकेंड माना जाएगा। माना श्रुति ने कमरे में डांस किया 6 मिनट, तो वो 6 ही मिनट डांस करेगी, चाहे उसे किसी छोटे से छेद से किसी लड़के ने देखा हो या किसी ने भी देखा हो या श्रुति ने खुद भी टाइम नोट कर रखा हो, तो उसे 6 ही उसे पता है उसने 6 मिनट डांस किया, तो सबके लिए उसने 6 ही मिनट डांस करा है, टाइम फ्रेम पर किसने देखा, इससे ये वो नहीं होता कि किस टाइम कितना लगा। आप सवाल पूछ सकते हो, भाई साहब तो हमने थोड़ी देर बाद देखना स्टार्ट किया, हमने डांस को थोड़ी देर बाद देखा, अरे आपने थोड़ी देर बाद डांस को देखना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि डांस जो इवेंट हुआ है उसका टाइम चेंज होगा, टाइम तो नहीं है, टाइम चेंज नहीं होगा दोस्तों, टाइम चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब एक सवाल ले लेते हैं, पोजीशन वाला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर होता हमेशा अपने आप को ओरिजिन मानता है, इसके रिलेटेड एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, इससे 5 मीटर की दूरी है और इससे आपकी है 20 मीटर की दूरी, और टोटल दूरी 25 मीटर, ये है ए वी और सी। अब हमें ये बताओ ए के हिसाब से, ये साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग प्लस ये लेते हैं माइनस ये लेते हैं, ठीक है, ए के हिसाब से बी कहाँ पर, ए के हिसाब से, ए से मैंने पूछा था बी कहाँ पर, तो बी पर ए क्या बताएगा, ए क्या बताएगा, ए बताएगा कि बी है वो हमसे 5 मीटर की तरफ, 5 मीटर प्लस 5 मीटर की दूरी पर है। यानी अब इसे जो हिसाब मैंने सब कहा है, इसे अगर हम लोग अच्छी भाषा में लिखना चाहें या फिर गणित में लिखना चाहें, कैसे लिखें, वेलोसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी के ए के हिसाब से बी की पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, ए के हिसाब से बी की पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी, 5 मीटर। अच्छा, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कितनी होगी, बी से पूछो भाई ए कहां पर है, तो कहा भैया इस तरफ है, इस तरफ मतलब माइनस की 5 मीटर, माइनस 5 मीटर। पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, इस तरह लिखते हैं, इसको रिस्पेक्ट को या हाइफन लगा देते हैं,
या फिर बी ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करेंगे कुछ अगली वीडियो। तो पॉइजन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए से देखने पर बी को, ए से देखने पर सी कहां दिखाई देता है, प्लस की डायरेक्शन में दिखाई देता है उसे, प्लस 25 मीटर, प्लस 25 मीटर। सी से पूछा बी कहां है, तो पॉइजन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू, पॉइजन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी -20 मीटर, -20 मीटर। अगर यार यहाँ ये तो रिजल्ट है, अगर इनको हम लोग 5-5 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस आर बी ए वेक्टर। तो ये काफी खूबसूरत सी रिलेशन है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप वहाँ पर खड़े, मैंने आप, हम दोनों बीच की दूरी 5 मीटर है, तो मुझसे पूछा कि बताइए आपका नाम रमेश है, तो मुझसे पूछा कि पंकज बताइए रमेश की पोजिशन क्या है, मैं कहूँगा भैया इस तरफ है 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस तरफ मेरे मान निगेटिव, तो -5 मीटर की दूरी पर रमेश खड़ा है। रमेश से पूछा गया मतलब पंकज भैया की दूरी क्या है, बोलो भैया इतनी दूर पर इस डायरेक्शन 5 मीटर की दूरी पर। तो दोनों के लिए या हमसे देखा जाए ए से बी पूछा जाए, ए से भी पूछा जाए, बी से भी पूछा जाए, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी एनर्जी को है, पता नहीं क्यों है अच्छे से बहुत नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है ना, तो ये फिर से मैं समझाऊंगा इस चीज को, लेकिन ये सिंपल सी बात है। मैं अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि हाँ तुम्हें माइनस में दिखाई देगा 5 मीटर, इसे इस तरह से नहीं देखिए प्लस में दिखाई देगा, वही तो लिखा है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जहां माइनस है साइन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अब वेलोसिटी वाला भी एक फिगर लो, वेलोसिटी वाला मान लीजिए कोई गाड़ी है, वेलोसिटी उसकी है 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मतलब ये इस तरफ जा रही है और प्लस का मतलब ये इस तरफ जा रही है। तो अब अगर आप इस ये स्कूल बस है, अगर आप यहाँ पर बैठ जाए, अगर आप यहाँ पर बैठ जाए इस गाड़ी पर बैठ जाए, तो आपको ये कार कितने से आपकी हुई दिखाई देगी, कितनी इस कार की वेलोसिटी आपको क्या दिखाई देगी, तो सब यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप किसी बस पर बैठे हुए तो आपको सारी दुनिया आप रुके मानना जाता है, आप अपने आपको रुका हुआ समझते हैं, सारी दुनिया आपके लिए चल रही होगी। यहीं पर कोई ऑब्जर्व करिए, 15 मीटर पर सेकेंड आपकी बस चल रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से आपकी बस चल रही है, आप बस में बैठे हो, आपने कहा मैं ऑब्जर्व करूं, मैं तो मूव कर ही नहीं रहा हूं। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं तो 15 मीटर पर सेकेंड से सारी दुनिया आपके नीचे से निकल गई। अगर आप ऐसा सोचना पड़ेगा अगर आप बस को इससे मान ले तो सारी दुनिया जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड इस टाइप से। फिर आई बात मैंने जो कहा, फिर से आप हमेशा अपने आपको ऑब्जर्वर नेवर ऑब्जर्व अपने आप को मूव नहीं करता मानता, लेकिन जो चीज हो रही है वो तो होती रहेगी। अभी आपने देखा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखा कि हाँ ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आपने बस देखा कि बस चल रही 15 मीटर पर सेकेंड क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम बस में बैठे अब हमें ग्राउंड जाता हुआ दिखाई रहा 15 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड मेरे नीचे से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकाला जो बिल्डिंग से 15 मीटर पर सेकेंड से हमारे पीछे जा रही है, और उसी रोड पर जो रोड इधर इधर भाग रही है इसके रिस्पेक्ट में जो रोड इधर 15 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है उसी रोड पर इस तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कार रोड 15 से जा रही है, कार 5 से आ रही है, तो आपको वो कार कितनी रफ्तार से आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी, खुद रोड 15 से नीचे से आपके जा रही है उस पर कार ही 5 से आ रही है, आपको जो कार है आपको आपकी तरफ इस डायरेक्शन में माइनस 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आपकी तरफ कार आती हुई दिखाई देगी। यानी अगर ये ए है ये बी है तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको माइनस 20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि रोड नीचे से निकल रही है। आप खुद सोच के देखिए अगर एक ऐसे रिफ्रेंस मतलब आपको सोचना पड़ेगा जो मैंने बात कही कि रोड नीचे से निकल रही है, आप सवाल कर सकते हैं कैसे कह सकता है कि रोड नीचे से निकल, भाई साहब रोड पर बस चल रही है, बस रोड को थोड़ी चला रहा है, सोच के देखिए बस रोड को चला सकती है। बस पर्सपेक्टिव की बात है कि पहले ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहे आप बस से देख रहे हैं पर्सपेक्टिव बस, और ये सोचना पड़ेगा आपको अगर आप बस आपकी 15 मीटर पर सेकेंड से सीधी रोड पर इस तरफ जा रही है, अगर आप ऑब्जर्व करने बैठ गए तो आपको सारी दुनिया 15 मीटर पर सेकंड से उधर भागती हुई दिखाई देगी।
अगर उसी रोड पर कोई कार आपकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो वो कार आपको 15 तो रोड ही चल रही है, 5 कार रोड के ऊपर चल रही है, तो टोटल 20 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से आपको कार बस की तरफ आते देख रही है। दिस इज द रिलेटिव मोशन। ये से क्या है रिलेटिव मोशन कि अलग अलग डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ मोशन को ऑब्जर्व कर अलग अलग। ये थी वीडियो थोड़ी सी तो इस पर हमारी चर्चा। अच्छा अब इससे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट। अब अच्छा एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या, एक्चुअली हम लोग किया क्या इसमें हम लोगों ने क्या गणित लगाई, अगर फील की बात करने लगे थोड़ी गणित भी देखा ये तो किया क्या हम लोगों ने, माइनस पीस कैसे आया, तो माइनस पीस आया -5 और -15 मीटर पर सेकंड। -5 क्या था और आपको पता है ये जो वेलोसिटी देगी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में देगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगी। लिखना चाहूँगा तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको मैं आगे अगली वीडियो में भी अच्छे से ड्राइव कराऊंगा। ये तो फील वाला, फील से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर्मूले। बस यही जो था, दिस इज ये वाला एक गोल्डन रूल मान लीजिए, इसे मान लीजिए यही है एक चेन रूल और वो मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो, लेकिन यही था जो कुछ था, यही था बहुत सुंदर फील थी, यही आपका रिलेटिव मोशन। इससे ही बहुत सब सारे जवाब करने वाले चेन रूल को और समझाने वाले, उसे अगली वीडियो में सेटअप करके अच्छे समझाएंगे। लेकिन अभी कुछ और कॉन्सेप्ट बहुत सामने आने, हम बात पढ़ना वेलोसिटी अप्रोच, पढ़ना वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी अप्रोच का क्या मतलब। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, ये बस है आपकी, इसे मैंने ये माना था सारी, हाँ ये माना था इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, वही वाली कहानी है सारी, और कार है -5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए कि कितनी रेट से इन दोनों की डिस्टेंस कम हो रही है, इनकी दोनों की ये अप्रोच कर रही है एक दूसरे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब, कितने रेट से दोनों की वेलोसिटी, इन दोनों की डिस्टेंस कम हो रही है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इनकी दोनों की जो बीच की सेपरेशन है वो कम हो रही है, कौन से रेट से कम हो रही है, तो वो कैसे बताओ। वो सिंपल सी बात है, चाहे इस पर बैठ जाओ, चाहे इस पर बैठ जाओ, चाहे ए पर बैठ जाओ, चाहे बी पर बैठ जाओ, वहां से आपको जो भी वेलोसिटी दे लेंगे, जैसे कि आपको -20 मीटर पर सेकंड लिखे तो 20 मीटर पर सेकंड आपको इनके इस पर या इस पर बैठ कर देखोगे तो -20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा, इस पर बैठ कर देखो, कार पर बैठ कर देखो तो +20 मीटर पर सेकंड से आपको बस आगे आती हुई दिखेगी। तो इनकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वो क्या होगी, केवल 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनके दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उनका रेट ऑफ चेंज क्या है, 20 मीटर पर सेकंड उसका रेट ऑफ चेंज। समझिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, डायरेक्शन का समझना, आप डायरेक्शन को ये भी तो साइन एंगल को लिखना होता है कि किस डायरेक्शन, अरे अप्रोच दोनों कर रही है उसके बीच की बात हो रही है। मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये गाड़ी इधर आई 1 सेकंड बाद और 1 सेकंड बाद यहाँ आ गई, तो यहाँ जिस भी गाड़ी पर बैठो दोनों के बीच की दूरी तो कम हुई है, वो किस रेट से कम हुई वही बताना है, तो वो रिलेटिव सबने बता दिया 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन आपको नहीं बता दी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी लिख दीजिए +5 मीटर पर सेकंड है और ये -15 मीटर पर सेकंड, ये +5 मीटर पर सेकंड है, ये -15 मीटर पर सेकंड, यानी ये बस है 15 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है और कार है 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसके रेट होने का चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, तो वो रिलेटेड से आप किसी पर बैठ जाए, कार पर बैठ जाए तो वेलोसिटी ऑफ एक पर बैठ जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए -वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि कितना है वेलोसिटी ऑफ ए 15 और -15 एक्चुअली, ये मैंने माइनस ही किया -15 और ये होगा -5 यानी -20 किलोमीटर पर सेकेंड यार आवर, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों मैग्नीट्यूड एक चेंज हो रही है, बस एक ये था। अब दोस्तों अगली वीडियो करते हैं, इसमें शायद मैंने ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल पाई, लेकिन अगली वीडियो में इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा और जो गोल्डन रूल की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी मैं बताऊंगा।